हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और आई होप आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और ठीक होंगे। और चलिए मैं आपको आज की डेट बता दूं। आज है वेडनेसडे, अप्रैल 28, 2021। और न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया है जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। और मैं अपने एड्रेस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके वहां पे पहुंच सकते हैं। और वहां पे मैं हर दिन के न्यूज़पेपर की या पूरे न्यूज़पेपर की लिंक डाल देती हूं, जिससे आप डायरेक्ट मेरे न्यूज़पेपर पे पहुंच सकते हैं और आप उसे रीड कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वो ब्लॉग हमेशा पड़ा रहता है, तो जब आप चाहें वहां पे जा सकते हैं। और मैं और भी कई टॉपिक्स पे वहां पे लिखती रहूंगी। जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले COVID-19 के मैकेनिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में इंटर करता है, कैसे हमारी सेल को हाईजैक करता है और फिर किस तरह से हमें हार्म करता है। तो जब आप पूरी मैकेनिज्म समझ जाते हैं तो आपको किसी भी चीज के ध्यान रखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप प्लीज वहां पे जाइए मेरे ब्लॉग पे, जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। वहां पे जाके पूरे आर्टिकल, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने पब्लिश किया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़िए और फिर अपने को सेफ रखिए और दूसरों को भी जानकारी देके सेफ करिए। और चलते हैं हम आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पे गुड न्यूज फॉर इनडेंजर्ड सुमात्रन राइनोज। तो आपको मैं पहले यहाँ पे बता दूं, जो ये सुमात्रन राइनोज की बात हो रही है, तो सुमात्रा हमारा आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, और वहां पे रहने वाले राइनोज को सुमात्रन राइनोज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये राइनोज, ये स्पीसीज केवल सुमात्रा आइलैंड पे ही मिलती है। चलते हैं शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पूरे आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि ये जो बोर्नियो और सुमात्रन जो राइनो है, इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ एक खबर आई है कि ये कुछ स्मॉल नंबर्स में फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि अभी इसकी संख्या बहुत ही कम बची है और ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड की लिस्ट में है, क्योंकि ये वन हॉर्न राइनो होता है, एक सिंग वाले गेंडे होते हैं और ये इनका शिकार किया जाता है, इसलिए ये इंडेंजर्ड की लिस्ट में हो गए हैं। और आपको पता ही है कि राइनो, इनकी खाल से बहुत कुछ, लेदर से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं, इसलिए भी इनका अवैध शिकार किया जाता है। और मैं यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये सुमात्रन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ था। फिर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्स स्पेशल। तो व्हाट्स स्पेशल क्या है यहाँ पे, द सुमात्रन राइनोज आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव टू द वूली राइनोज, द नोटेबल स्पीशीज ऑफ द लास्ट आइस एज। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट जो हमारा आइस एज गुजरा, उसके वुली राइनोज की स्पीशीज से ही जुड़े हुए हैं, एंड दे आर नोन फॉर देयर टू स्मॉल हॉर्न एंड अ थिन कोट ऑफ रेडिश ब्राउन हेयर। और ये जाने जाते हैं अपनी बहुत ही छोटी सी सींग के लिए और लाल और भूरे हेयर के लिए, एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम ऑल, एंड द सुमात्रन राइनोज इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 5 राइनोज स्पीशीज। और इनका वजन होता है करीबन 700 से 800 केजी, एंड मोस्ट वोकल द एक्सक्लूसिव रेन फॉरेस्ट इनहेबिटेंट द मोस्ट वोकल राइनोज रिमेन्स सॉलिटरी एक्सेप्ट फॉर मेटिंग एंड राइनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड ड्विंडलिंग हैबिटेट। ड्विंडलिंग माने होता है बच्चों सिकुड़ता हुआ हैबिटेट, यानी कि आवाज। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके सामने कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए और वहां पे लिखा हो कि जो एनिमल्स हैं उनकी आबादी घटने का मेन रीजन क्या है, शिकार है या ड्विंडलिंग हैबिटेट है या कुछ भी, तो सबसे पहला ऑप्शन आप चुनेंगे ड्विंडलिंग हैबिटेट, यानी सिकुड़ता हुआ उनका आवाज। इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके आवाज को काटते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं और वो पीछे हटते जा रहे हैं। और वो कितना भी पीछे हटेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन उनके पास भी तो जमीन कम पड़ेगी ना। खैर चलते हैं। इट वंस हैड अ वाइड रेंज इन साउथ ईस्ट एशिया, और इनकी जो वाइड रेंज मिलती है वो साउथ ईस्ट एशिया में है, फ्रॉम फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज डाउन टू बोर्नियो एंड सुमात्रा। और ये हिमालय के फुटहिल्स, यानी कि और जहां से हमारा हिमालय शुरू होता है उसका जो सबसे लोएस्ट रेंज होती है,
वहां से हिमालय के फुटहिल्स को वैसे शिवालिक रेंज कहते हैं, वहां पे ये मिलते हैं बोर्नियो और सुमात्रा आइलैंड पे। एंड पोंचिंग एंड हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन बाय ह्यूमंस हैव डिवास्टेड इट्स पॉपुलेशन विद इट्स नंबर फॉलिंग बाय अबाउट 70% ओवर द पास्ट 2 डिके। तो पिछले 2 दशक में शिकार करने से और मानव के इनके आवास को अधिग्रहण करने से इनकी आबादी लगातार लगभग 70% तक घट चुकी है। और इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है कि जीनोम जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनकी जीनोम स्टडी करी है, जहां पे उन्हें कुछ राहत ऐसी देखने को मिली है कि ये फिर से अपने हैबिटेट में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें गुड न्यूज मिली है। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी इट वॉज फाउंड दैट द 2 एग्जिस्टिंग वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ दिस राइनो ऑन द आइसलैंड ऑफ बोर्नियो एंड सुमात्रा हैव अ गुड जेनेटिक हेल्थ एंड सरप्राइजिंगली लो लेवल ऑफ इन ब्रीडिंग। तो इनमें भले ही लो लेवल की इन ब्रीडिंग है, बट फिर भी कुछ अच्छी खबरें हैं। और एक्सपर्ट्स के अनुसार अभी ये केवल 80 की संख्या में बचे हुए हैं, मतलब सिर्फ इस स्पीशीज के 80 राइनोस बचे हुए हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में मैंने आपको इसका जीस्ट बता दिया है, और बाकी यहाँ पे जो साइंटिस्ट के अपने अनुसार मत होते हैं ये दिए हुए हैं। और ये इस पूरे आर्टिकल को एज इट इज रीड करने के लिए आप मेरे ब्लॉग पे जरूर जाइए, जो है www.studyforthebetterfuture.online। और बच्चों यहाँ पे द हिंदू ने समर वेकेशन के लिए कुछ इश्यूज दिए हुए हैं, जिसपे अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द हिंदू इन स्कूल वीकेंड 9 मई से 13 जून के लिए हो गया है, और इस गर्मी में आपको अपनी दिनचर्या से ब्रेक लेने के लिए और आपको व्यस्त रखने के लिए सुपर सिक्स लेके आया है। और ये सुपर सिक्स के टॉपिक हैं साइंस, स्पेस, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, लिटरेचर एंड स्पोर्ट्स। और इनको इन सुपर सिक्स टॉपिक पे आपके लिए विवेकपूर्ण मिश्रण के अलावा विशेष मुद्दों पर मजेदार गतिविधियों के साथ आपको कुछ टॉपिक तैयार किए जाएंगे, जिसमें अपने इंग्लिश के कौशल को आप ठीक करने के लिए या फिर कुछ DIY प्रयोग, GK से संबंधित टॉपिक हैं, या फिर पॉजिटिव न्यूज और कुछ खेल यहाँ पे होंगे। एंड वीकेंड इनबॉक्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और आपको बहुत ज्यादा डिटेल में अगर कुछ भी पता करना है तो आप यहाँ पे द हिंदू के साइट पे जाके पता कर लीजिए। और अब हमारा GK का अगला टॉपिक है कि व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग अ लाइटनिंग। तो जब आकाश में बिजली चमकती है तो एग्जैक्टली क्या होता है। एंड डिड यू नो डेट लाइटनिंग आर एक्सट्रीमली हॉट, रीड ऑन नो टू मोर अबाउट देम। तो इस लाइटनिंग के बारे में आपको बहुत कुछ यहाँ पे पता चलने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो क्या आप ये बात जानते हैं कि जब भी बिजली गरजती है और या फिर आंधी तूफान आता है तो बादलों के अंदर से ही बिजली पैदा होती है। क्या आप ये बात जानते थे, जब कोई तूफान आता है तो इन तूफान के अंदर बादलों में बारिश होती है, और बर्फ के कण आपस में जब टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है, जबकि बादलों की निचली पहुंच अक्सर नेगेटिव चार्ज हो जाती है और पृथ्वी सहित जमीन पर मौजूद वस्तुएं पॉजिटिव चार्ज हो जाती हैं, और परिणाम बिजली के दो जो मतलब अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इनसे होकर गुजरती है तो एक असंतुलन पैदा होता है, और जो कि बिजली बहुत गर्म होती है और ये आसपास की हवा जो फैलती है और तेजी से कंपन करने के कारण बनती है। इसके परिणाम स्वरूप गड़गड़ाहट होती है और हम बिजली चमकने से पहले ही सुन लेते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि साउंड्स वेव बहुत तेजी से चलती हैं। और लाइटनिंग निश्चित रूप से शानदार जगह या फिर घातक भी होती हैं, दिखने में तो शानदार होती हैं पर घातक भी होती हैं, और हर साल लोग इन बिजली के हमलों से मरते हैं। हम हमेशा न्यूज में पढ़ते हैं कि इधर बिजली गिरी उधर बिजली गिरी, ऐसा काफी कुछ, और कभी कभी ये इतनी ज्यादा तेज होती है कि इनसे सुनने की शक्ति भी चली जाती है। और बच्चों अब हम आगे हैं अपने अगले पेज पे, हेलो डियर। और मैंने एक ये चीज सोची है बच्चों कि मैं इस न्यूज़पेपर का हर टॉपिक
डिस्क्राइब नहीं करूंगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जिनके बारे में आपको पहले से नहीं पता है उन्हें डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में तभी एक्साइटमेंट है जब आप उसे खुद से रीड करें और उसके बारे में गूगल पे सर्च करें। मेरा एम है आपको इस न्यूज़पेपर को इजिली अवेलेबल करा देना और बहुत ही टफ टॉपिक को आप तक पहुंचाना इजिली। तो आज आपके सामने यहाँ पे है, आई एम एट वर्क एंड मैमल डेट लिव्स इन अफ्रीका। तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़िए और उसके बाद यहाँ पे दिए हुए नीचे क्वेश्चन आंसर्स भी करिए। और यहाँ पे ये है, आई एम क्रॉस वेरी अ मेंबर ग्रुप ऑफ लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड कॉल्ड रैटल्स फाउंड इन न्यू गयाना एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ कुछ ऑस्ट्रिच और एमू जैसे दिख रही है, पर इसका नाम कैसवरी है। और अब है ये फन फैक्ट, क्योंकि न्यूज़पेपर को जब आप खुद रीड करेंगे, खुद इनके आंसर्स ढूंढेंगे, तभी आपको मजा आएगा। और अगर इस लॉकडाउन में, इस कोविड के टाइम पे अगर आपको कोई भी न्यूज़पेपर आपके पास इजीली पहुंच रहा है, इससे बड़ी बात खुशी हो सकती है। और ये इंडिया का बेस्ट न्यूज़पेपर है, इसकी गारंटी है मुझे, मतलब मुझे पता है और कोई माने या ना माने। तो इसलिए मैं आपको ये न्यूज़पेपर पहुंचा रही हूं और अब आपका काम है कि आप इसे अच्छे से ग्रैप करें और कोई भी न्यूज़पेपर ना छोड़ें। अगर आप घर में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो बस घर में रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी तरह रहिए। और ये है हेरिटेज टेल, यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में कुछ क्लू होते हैं और पिक्चर भी दी होती है और फिर आंसर बाद में दिया होता है जिससे आप इसको पहचाने। और मोस्टली यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की फोटो होती है जो यूनेस्को में लिस्टेड होती है। और आज का वर्ड ऑफ द डे है रेस्पाइट। रेस्पाइट माने होता है मोहलत किसी भी चीज की। जैसे यहाँ पे दिया है, द टर्म रेस्पाइट इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ नाउन, इट मीन रेस्ट, रिलीफ, इंटरवल, अ वेलकम ब्रेक और अ पीरियड ऑफ टेम्परेरी डिले। और यहाँ पे एक्टिविटी एग्जाम्पल सेंटेंस दिया हुआ है, द ब्राइट सनशाइन बॉट अ मच नीडेड रेस्पाइट फ्रॉम द कोल्ड वेव। इसके बाद हम आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे पजल्स दिए होते हैं, इसलिए ही ये न्यूज़पेपर इतना अच्छा है कि ये किसी एक टॉपिक को नहीं लेता है, ये आपको सब कुछ बताता है। अनस्क्रैम्बल वर्ड में टू डिस्कवर करेक्टर फ्रॉम द फेरी टेल। तो फेरी टेल के यहाँ पे कुछ करेक्टर दिए हुए हैं जो कि अनस्क्रैम्बल वर्ड है, आपको इन स्पेलिंग्स को अरेंज करके सही स्पेलिंग ढूंढनी है। और आपको ये हिंट दे दिया गया है कि ये वर्ड्स फेरी टेल से जुड़े हुए हैं। तो इन सबको आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत आराम से खेल सकते हैं। जैसे आजकल कुछ बच्चे शिकायत करते हैं ना कि मेरा टाइम नहीं पास हो रहा है, मैं क्या करूं। और ये है आपकी नंबर गेम। और अब है द डब्लू कॉर्नर, विच इज द ओरिजिनल बॉल। आपको यहाँ पे ओरिजिनल बॉल देखनी है, ढूंढनी है कि कौन सी ओरिजिनल बॉल है। और इसके बाद है 2 मिनट वर्ड सर्च। आज 2 मिनट वर्ड सर्च में है, इजी सर्च ऑन पोएट्स स्पॉट द नेम ऑफ 6 फेमस इंग्लिश पोएट फ्रॉम इंडिया। तो इंग्लिश इंडिया के 6 आपको फेमस इंग्लिश पोएट लिखने हैं, मतलब कोई भी पोएट नहीं, इंग्लिश पोएट। तो वो सबसे पहले मैं एक हिंट दे देती हूँ कि इंग्लिश पोएट में सबसे ज्यादा फेमस है रविंद्रनाथ टैगोर जी। और बाकी आप पता करिए, ये इतनी अच्छी चीज है कि शायद ये किसी और को पता हो, क्योंकि पोएट में तो फिर बहुत सारे पोएट होते हैं, पर स्पेसिफिक किसी भाषा का पोएट याद रखना सबके बस में नहीं है या सबको नहीं पता होता है। आपको इस ग्रिड में से ढूंढना है। यहाँ पे आंसर्स हैं, मैं बाद में दे देती हूँ। और अब है ये 3 मिनट फन रीड, इसको फन की तरह रीड करिए। और यहाँ पे टॉपिक है सोलर सिस्टम से रिलेटेड। और इसके बाद है अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट।
और इन अल्फाबेट्स को जब हम अरेंज करके लगाते हैं तो हमारी स्पेलिंग बनती है INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस माने होता है मेहनती, यानी डेलिगेंट एंड हार्ड वर्किंग। और ये है इस पूरे न्यूज़पेपर की होल पार्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन, और ये वाकई में 2 मिनट का ही है जिन्हें इसको पढ़ने की आदत हो चुकी है। और बाकी मैं अपनी वोकैबुलरी के वीडियोस डालती रहूंगी जिसमें मैं हर कठिन वर्ड को कैच करती हूँ, ठीक है। आपको इसे बिल्कुल हमेशा सॉल्व करना है, चाहे आप जितने भी छोटे बच्चे हो। फिलहाल ये कॉम्प्रिहेंशन क्लास 4th से बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसे बिना ट्राई किए मत भागिएगा कि नहीं 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 कॉम्प्रिहेंशन है तो बड़ा होगा, कठिन होगा। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बस ये आपकी एक आदत डलवाएगा कॉम्प्रिहेंशन करने की। बच्चों कहीं पे भी अगर लिखा हो कि एक्सपेंड मतलब डैश डैश डैश, यानी जीई जैसे यहाँ लिखा है, या फिर एक्सपेंड कुछ भी, तो एक्सपेंड का मतलब होता है कि फुल फॉर्म किसी भी चीज का। और आज यहाँ पे बड़ा ही अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, इनसाइट इनटू आइस एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका आपको पता है किधर है, मतलब नॉर्थ में है या साउथ में है। तो एंटार्क्टिका का मतलब है एंट, मतलब एंट साउथ पोल, ठीक है। आर्कटिक मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ का एंटी मतलब साउथ। और यहाँ पे ये कुछ 2 बच्चे हैं जो कि सिड एंड अभी हैं, तो ये एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करके आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यंग अचीवर में, यहाँ पे मीट अ स्टोरी वीवर है। यहाँ पे एक बच्चे हैं जिन्होंने खुद राइट किया है, और इसी तरह का फर्स्ट पेज पे आर्टिकल था जहाँ पे द हिंदू ने आपके कुछ आर्टिकल्स मंगवाए हैं जो कि रिलेटेड होने चाहिए 6 टॉपिक जो उन्होंने दिए हैं। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। इन्होंने एक नॉवल लिखा है 13 साल की उम्र में। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हमें कौन सी चीज कब इंस्पायर कर दे हमें खुद भी नहीं पता होता है बच्चों, तो इंस्पिरेशन लेने से कभी पीछे मत हटिए। और अब हम आ गए विकिपीडिया अ डेली सर्च, जहां पे हमारा पहले टॉपिक है पाब्लो पिकासो। हमें पता है पाब्लो पिकासो एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं, स्पेनिश पेंटर हैं ये। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि पाब्लो पिकासो किस देश से जुड़े हुए हैं, तो ये स्पेनिश पेंटर हैं और इनका जन्म स्पेन में ही हुआ था।
एंड सेकेंड है हमारे सेल्वाडोर डैली, डाली सेल्वाडोर डेमिंगो फ्लिपी जेनिटो डाली वॉज अ स्पेनिश सरलिस्ट आर्टिस्ट। और अब है हमारा ओक्लेटो, ये हमने देखा था ना, एक कैट होती है जो कि लार्ज साइज की कैट होती है और लगभग लियोपर्ड जैसी ही दिखती है, मतलब ये लियोपर्ड से थोड़ी ही छोटी होती है। आप हमारा टॉपिक है, ये एक स्टैचू बनाया गया था एक डॉग के सम्मान में, सेंट्रल एशियन स्पेयर डॉग। और अब है हमारे फेस टू फेस, और जिसमें आपको पहचानना है कि ये कौन है। यहाँ पे क्लू दिया हुआ है, दिस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज अर्ज ऑस्ट्रेलियन टू अरेंज फ्लाइट्स टू ब्रिंग प्लेयर बैक होम आफ्टर द आईपीएल। तो आपको बताना है कि ये स्टेप कौन से क्रिकेटर ने उठाया है। और ये रही आज की सुटको, और ये रहा लास्ट पेज स्पोर्ट्स न्यूज का। और मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहिए, और साथ ही ब्लॉग पे जाके पढ़ते रहिए। ब्लॉग का एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.online। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्कूलों में या बहुत अच्छे एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, उन्हें कहीं से अच्छी जगह से पढ़ने की जरूरत है, तो प्लीज उनको इस न्यूज़पेपर का एड्रेस जरूर दीजिए। क्योंकि बच्चों, आपके द्वारा अगर किसी का भी भला होता है, कोई भी अच्छी चीजें सीखता है, तो उसकी मदद करिए। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं मिलती हूँ कल आपको नए न्यूज़पेपर के साथ। और जब तक आप लोग अपने घर में अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। टेक केयर, बाय।